विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब साइकिल? क्रेब साइकिल के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा? तो देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, देयर इज वन पॉइंट इन द साइकिल वेयर एफ ए डी प्लस इज रिड्यूस टू एफ ए डी एच टू। तो ये सही है। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम ए टू सक्सिनिक एसिड अ मॉलिक्यूल ऑफ जी टी पी इज सिंथेसाइज। ये भी सही है। द साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल ग्रुप एसिटिल कोएंजाइम ए विद पायरुबिक एसिड टू यील्ड सिट्रिक एसिड। तो ये गलत दिया हुआ है क्योंकि इसके साथ पायरुबिक एसिड काम नहीं करता है। यहाँ पे होता है ऑक्सैलो ऑक्सैलो एसिटेट टू फॉर्म आ सिक्स कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड। एंड लास्ट है, देयर आर थ्री पॉइंट इन द साइकिल वेयर एन ए डी इज रिड्यूस टू एन ए डी एच प्लस एच आयन। तो इसका थर्ड स्टेटमेंट गलत दिया है। फोस्फिनोल पायरुवेट पैप इज द प्राइमरी सी ओ टू एक्सेप्टर इन। पैप सी ओ टू का प्राइमरी एक्सेप्टर किन प्लांट्स में होता है? सी फोर प्लांट्स, सी टू प्लांट्स, सी थ्री एंड सी फोर प्लांट्स या फिर सी थ्री प्लांट्स। सही आंसर है ए, सी फोर प्लांट्स। ड्यूरिंग डी एन ए रेप्लीकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज टू इलोंगेट। डी एन ए रेप्लीकेशन के समय ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहाँ इलोंगेट होते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, द लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लीकेशन फॉर्क टू द 3 to 5 डायरेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन ए शुड बी मोस्ट अबेंडेंट इन एनिमल सेल? एनिमल सेल में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा में आर एन ए कौन सा होता है? टी आर एन ए, एम आर एन ए, एम आई आर एन ए या फिर आर एन ए। सही आंसर है डी, आर आर एन ए इज द मोस्ट अबेंडेंट आर एन ए इन द एनिमल सेल। जी एन आर एच ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्सोन। जी एन आर एच जो कि एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, रिप्रोडक्शन में किस तरह से एक्ट करता है? इसका सही आंसर होगा ए, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एल एच एंड एफ एच एच। यानी कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करता है जहाँ से एल एच एंड एफ एस एच हारमोन्स सिक्रेट होते हैं, जिनमें से एल एच हारमोन फीमेल में ओवोल्यूशन को इंड्यूस करता है, ओवोल्यूशन को इंड्यूस करता है एंड मेल में लीडिंग सेल से लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, जबकि एफ एस एच हार्मोन फीमेल में ग्रेफियन फोलिकल के मैचुरेशन को इंड्यूस करता है एंड मेल में सर्टोली सेल को इंड्यूस करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रेगमेंट्स मूवमेंट्स ऑन एग्रोस जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के फ्रेगमेंट्स एग्रोस जेल पर किस तरह से मूव करते हैं? द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इज मूव। पॉजिटिव चार्ज फ्रेगमेंट्स मूव टू फार्दर एंड, नेगेटिव चार्ज फ्रेगमेंट डू नॉट मूव या फिर द लार्जर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इज मूव। तो राइट आंसर है ए, द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इज मूव। यानी कि फ्रेगमेंट जितना छोटा होगा वो उतनी दूर तक मूव करेगा। हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट्स डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज। यानी कि अडल्ट्स में ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन यानी कि ज़्यादा सिक्रेशन होने के बावजूद भी उनकी लंबाई नहीं बढ़ती है, इसका कारण क्या है? एपिफाइसल प्लेट्स क्लोज आफ्टर एडोलेसेंस, बोन्स लूज देयर सेंसिटिविटी टू ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट्स, मसल फाइबर डू नॉट ग्रो इन साइज आफ्टर बर्थ या फिर ग्रोथ हार्मोन बिकम इनएक्टिव इन अडल्ट्स। तो देखिए 18 साल के बाद एपिफाइसल प्लेट क्लोज हो जाती है जिसके कारण ह्यूमन में केवल उसकी बोन की मोटाई में वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि नहीं होती है। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स। बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन होता है प्रियर टू फ्यूजन यानी कि फ्यूजन से पहले। विच वन फॉर्म दोस गिवन बिलो इज द पीरियड फॉर मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट कब किए थे? 1840 से 1850, 1857 से 1869, 1870 से 1877 या फिर 1856 से 1863। तो देखिए मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट 7 साल तक किए थे और इसका सही आंसर है डी, 1856 से 1863 तक। वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। वायरॉइड्स वायरस से अलग होते हैं क्योंकि वायरॉइड्स के पास होता है डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, आरएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोट,
आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट या फिर डीएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोट। सही आंसर होगा सी, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, क्योंकि वायरॉइड्स में आरएनए मॉलिक्यूल होता है जिसमें कि प्रोटीन कोट नहीं होता है। माल्ट कंसिस्ट्यूट अबाउट परसेंटेज ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। माल्ट हमारे लिम्फॉइड टिश्यू का कितने परसेंट बनाता है? तो देखिए, माल्ट एक प्रकार का लिम्फॉइड टिश्यू होता है। यह हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है एंड मेजर ट्रैक्ट जैसे कि रेस्पायरेटरी, एलिमेंट्री, यूरिनोजेनाइटल आदि में पाया जाता है और इसकी परसेंटेज होती है 50%। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, 50%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय देम। तो हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सी मैचिंग सही है। पहला है मिथेनोबैक्टीरियम और यहाँ पे दिया है लैक्टिक एसिड, ये गलत है क्योंकि मिथेनोबैक्टीरियम लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन नहीं करता है, ये बायोगैस का प्रोडक्शन करता है। इसके बाद है पेनिसिलियम एसिटिक एसिड, ये भी गलत दिया हुआ है क्योंकि पेनिसिलियम पेनिसिलिन का प्रोडक्शन करता है ना कि एसिटिक एसिड का। एंड थर्ड है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, यहाँ पे दिया है एथेनॉल, तो ये सही है क्योंकि सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी इथेनॉल का प्रोडक्शन करता है। एंड लास्ट है एसिटोबैक्टर एसिडी और यहाँ पे दिया है एंटीबायोटिक्स, ये भी गलत है क्योंकि एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पे गलत आंसर है, सॉरी सही आंसर है सी, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी इथेनॉल। बाकी ए बी एंड डी गलत दिए हुए हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन विदाउट अ डेफिनाइट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी लिविंग सेल है जो कि सबसे छोटी होती है और उसमें एक सेल वॉल नहीं पाई जाती है और एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों के लिए पैथोजेनिक होती है और बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकती है? स्यूडोमोनास, माइकोप्लाज्मा, नोस्टोक या फिर बेसिलस। सही आंसर है बी, माइकोप्लाज्मा। तो आपको ध्यान रखना है माइकोप्लाज्मा में ये सभी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हॉर्स, इनमें से कौन हॉर्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है? पेरिसोडक्टेला, कैबालस, फेरस या फिर इक्विडी। तो सही आंसर होगा इसका ए, पेरिसोडक्टेला हॉर्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है जबकि कैबालस हॉर्स की सब स्पीसीज है, सब स्पीसीज। एंड फेरस स्पीसीज है जबकि इक्विडी फैमिली है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। फ्रॉग हार्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूअस टू बीट फॉर सम टाइम, यानी कि यदि फ्रॉग का हार्ट बाहर निकाल लिया जाए तो वह कुछ समय तक बीट करता रहता है। सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसके लिए सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है फ्रॉग इज अ पोइक्लियोथर्म, फ्रॉग डज नॉट हैव एनी कोरोनरी सर्कुलेशन, हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर या फिर हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि हार्ट इज मायोजेनिक, यानी कि फ्रॉग का हार्ट मायोजेनिक होता है, उसका नर्वस सिस्टम पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो मसल के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल और स्वतः ही एक्साइट हो जाता है। तो राइट आंसर होगा सी, थ्री एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर राइट।